ग्वालियर में पत्नी पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्ट्रेट में एसडीएम के रीडर के पद पर रह चुके हरीश निगम ने अपनी पत्नी पर अपने पुश्तैनी घर में न रहने देने और अश्लील फिल्मों में काम करने का आरोप लगाया है और कहा, मेरे मामले में पुलिस पर भी एक तरफा कार्यवाही कर रही है। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना क्षेत्र स्थित खूबी की बजरिया में रहने वाले हरीश निगम ने अपनी पत्नी के खिलाफ अश्लील फिल्म में काम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी के वीडियो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर वायरल हो चुके हैं। सरकारी नौकरी जाने के बाद पत्नी उनके साथ लगातार मारपीट करती रही है, वही उनकी शिकायत पर पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हरीश का कहना है कि उनकी पत्नी ने उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लिया है और उन्हें वहां नहीं रहने दिया जा रहा है। वहीं उनके भाई बहनों को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं लेने दिया जा रहा। मैं कलेक्ट्रेट में नौकरी करता था, जब से मेरी नौकरी गई है तब से मेरी बीवी का और व्यवहार मेरे लिए प्रति हिंसात्मक और गैर जिम्मेदार ना हो गया है। वो अश्लील फिल्मों में काम करती है और जिसका मैंने तलाक का भी केस लगा रखा है उसके खिलाफ और एक मारपीट का केस जिला न्यायालय में भी लगा रखा है। थाना इंद्रगंज की पुलिस से TI धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, ASI हरदार नायक जो एडमिरल है उसके समय इंद्रगंज थाने में पदस्थ है वो, और जो क्षेत्र के दीवान है वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उल्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और मेरे को उस अपनी पत्नी से, दामाद ऋतिक से, पुत्र विनीत निगम से, बहू अंकिता से और पुत्री उर्वशी से जान का खतरा है। वो मेरा घर पुश्तैनी मकान में ही रहना, मैं हर तरीके से मुश्किल कर दे रहे हैं। अगर यदि मेरे को न्याय नहीं मिला जल्दी से जल्दी तो मैं स्वयं का आयत कर लूँगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।